बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दामाद ने अपनी पत्नी सास एवं साला को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी सास बीबी आयशा खातून, पति बीबी अंगूरी खातून, मोहम्मद सहवाज एवं मोहम्मद यूनिस का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी बीबी आयशा खातून ने बताया कि घर में मेरी पुत्री बैठी हुई थी, तभी मेरा दामाद मोहम्मद फकरुद्दीन आया और पुत्री के साथ मारपीट करने लगा। जब मेरा पुत्र मोहम्मद सहवाज एवं मोहम्मद यूनिस बीच बचाव करने गए तो मोहम्मद फकरुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद मुमताज एवं मोहम्मद इश्तियाक हाथ में तलवार व लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। जब पुत्र को बचाने में गया तो मेरे दामाद ने तलवार से प्रहार करते हुए मुझे भी जख्मी कर दिया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। घटना मतलब हमको जाने से पहले मेरा अम्मी को मार के गिरा दिया था। जब मैं छोड़ाने के लिए गए तो लोग तलवार लेके आ गया और हमको भी मारा। मेरा अम्मी को तो मारा ही था और मेरे को भी मारने लगा छोड़ाने के लिए गए तलवार ले। भागलपुर मुख्य पथ पर मोदी टोला के समीप बालू नदी एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर मकान में टक्कर मार दिया। घटना में ट्रक चालक व खलासी बाल बाल बच गए। वहीं टक्कर में मोदी टोला निवासी खट्टी मंडल एवं दिनेश मंडल के मकान का बाहरी हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक के द्वारा मकान में टक्कर मारने के बाद अमरपुर बाजार में वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण आम लोगों को पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय घटनास्थल पर पहुंचकर जाम हटाने के प्रयासों में जुट गए। बता दें, मुख्य मार्ग पर तिथि मोड़ रहने के कारण आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है। भाजपा युवा मोर्चा की बैठक पार्टी कार्यालय में भाजयुमो जिला अध्यक्ष रंजीत यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह विधायक राम नारायण मंडल ने कहा कि जिले की 4 विधानसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशियों ने काफी अंतर से चुनाव को जीता है, जिसका श्रेय युवा मोर्चा को जाता है। विधायक राम नारायण मंडल ने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के कार्यों को गांव तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा एनडीए प्रत्याशियों को वोट के रूप में मिला है। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भरतेंदु मिश्रा ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को मोर्चा ने युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में बाइक रैली निकाली जाएगी, जबकि हर मंडल में बैठक होगी। पार्टी उपाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि 15 जनवरी से 28 जनवरी तक राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार दास, भोलू पौदार, अमित शाह, जिला उपाध्यक्ष शशिकांत चौधरी, जिला मंत्री स्वीटी कुमारी, गरिमा भारती, मोनू सिंह, सौरभ कुमार, रचित दुकानिया, उज्ज्वल कुमार, रामजीवन पांडे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। दुबराजपुर ग्रामीण पथ में तेल मिल के समीप नफटोलिया गांव से आ रहे एक ऑटो असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल की पहचान नफटोलिया गांव के रतन कुमार और अंकुश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों नफटोलिया गांव से आ रहे थे और उनका एक दोस्त ऑटो चला रहा था। इसी क्रम में तेल मिल के पास ऑटो पर नियंत्रण खोने से ऑटो पलट गई, जिसके ऑटो सवार युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको आनंद फानन में लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंजवारा पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।